हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ जिसका टॉपिक है वॉर्म होल। आखिर क्या होते हैं वॉर्म होल, बनते हैं कैसे, हम सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। वॉर्म होल, वॉर्म होल एक ऐसा होल है जो स्पेस को मोड़ देता है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है वो स्पेस को मोड़ के दूरी कम कर देता है। इमेजिन करते हैं, एक पेपर है जिसमें A1 और A2 दो पॉइंट्स है। A1 और A2 की डिस्टेंस जो है वो 10 लाइट ईयर्स है। तो वहाँ पे हम आप सोच ही सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा लाइट को पहुँचने में। तो वॉर्म होल क्या करेगा, वो उस पेपर को मोड़ देगा और जिससे एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर आ जाएगा और उससे डिस्टेंस कम हो जाएगा और हम वो दूरी को बहुत कम टाइम में कर सकेंगे। ये वॉर्म होल करता है। हम बात करते हैं वॉर्म होल कैसे बनता है। ब्लैक होल और वाइट होल, ब्लैक होल का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया है तो आप उसे पहले देख लीजिए। व्हाइट होल अगे बिल्कुल अपोजिट होता है ब्लैक होल के। जैसे ब्लैक होल हर चीज़ अपने अंदर खींचता है तो व्हाइट होल हर चीज़ अंदर फेंकता है। जब ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है एक वॉर्म होल। क्योंकि व्हाइट होल नेगेटिव एनर्जी होती है और ब्लैक होल पॉजिटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी से मिलकर बनता है ब्लैक वॉर्म होल। साइंटिस्ट हमारी इस समय सर्च कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी बनाने के लिए, पर हमारे ब्रह्मांड में इतनी नेगेटिव एनर्जी हम सोच भी नहीं कर सकते। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिए। टाटा, बाय बाय, सी यू।